मनी गुरु में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। फाइनेंशियल ईयर चेंज होते ही कई चीजें चेंज हो चुकी हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ नियम बदले हैं, टैक्स से जुड़े हुए भी बदलाव हैं, तो वहीं आपके पोर्टफोलियो की कुछ स्कीम जैसे कि एनपीएस या फिर ईपीएफ से जुड़े हुए भी अहम बदलाव शामिल है। और इन बदलावों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप कर पाएंगे सही मनी मैनेजमेंट। तो कैसे इन बदलावों का आपके पोर्टफोलियो पर असर पड़ेगा, ये बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी। बहुत स्वागत है सर शो में आपका। थैंक यू सर। और सर एक एक करके तमाम बदलावों के हम ऊपर आएंगे, डिटेल में आपसे समझेंगे, लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगी टैक्स के साथ, क्योंकि आपको अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का इस बार फायदा मिल रहा है। और सबसे ज्यादा फायदे में वो लोग रहेंगे जिनकी सैलरी 5 लाख के अंदर आती है, क्योंकि उन्हें टैक्स देना ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये इस फाइनेंशियल ईयर से। दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 से 50,000 हो गई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो टीडीएस कटता था बैंक डिपॉजिट पे और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे, उसकी सीमा जो है 10,000 से 40,000 होगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग उससे कम जो इंटरेस्ट पाते थे, उनको आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, जैसा आपने कहा कि जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक है, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि हर टैक्स पेयर को इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख के ज़्यादा है, और जो आप जो रिबेट्स आपको मिलते हैं, चाहे वो 80C के अंदर हो या 80D के अंदर हो, या जो आप इंटरेस्ट पे करते हो हाउसिंग लोन का, और या जो एजुकेशन लोन का जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो सारी रिबेट लेने के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तब आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना। यानी 87A के अंदर जो आपको रिबेट मिलता है वो बढ़ के 12,500 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, कुछ लोगों को ये डाउट है कि शायद ये सबको मिलेगा। दो चीज़ समझ लीजिए, आप जैसे ही आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है ये सब रिबेट लेने के बाद, तो आपके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये बात सही है कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न भरना है, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छे से प्लान करें, कोशिश करें कि जितनी टैक्स रिबेट है जो भी अलाउड है आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उनको ले और देखें कि अगर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे है, तो आपको कुछ भी टैक्स इस साल पे नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इसके साथ ही आपको नए सिरे से प्लानिंग भी करना शुरू कर देना चाहिए, और सबसे अहम तो इसमें टैक्स प्लानिंग ही है। डिटेल में आप इसके बारे में जानिए और उसी हिसाब से अपनी टैक्स प्लानिंग कीजिए। और व्यूअर्स को मैं बता दूं, कुछ भी आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ आपका सवाल है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ट्विटर और फेसबुक दोनों ही जगह हम लाइव हैं। आप कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए और हम उसके जवाब देंगे। और हेमंत जी, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एनपीएस उसमें सबसे खास है, क्योंकि 50,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट टैक्स में लोगों को मिलता है, उसके चलते बहुत से लोग एनपीएस का रुख करते हैं। अब ये ईईई कैटेगरी में आ जाएगा, क्या बेनिफिट होगा और किस तरह से ये वर्क करेगा? देखिए शालिनी, हमने पिछले कुछ समय देखा कि सरकार की काफ़ी कोशिश रही है कि एनपीएस को थोड़ा अट्रैक्टिव और बनाया जाए, उसमें जो भी इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ इश्यूज हैं, इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट क्योंकि आपने स्पेसिफिकली जो बात ईई की जो बात की, देखिए पहले क्या हो रहा था कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपये आपको मिलता है रिटायरमेंट के समय पे एनपीएस से, तो 40 रुपये के ऊपर आपको मैंडेटरीली कंपल्सरली जो है आपको एन्यूटी लेना पड़ता था, और जो बाकी 60 थे उसमें 40 रुपये जो थे उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना था, और 20 रुपये के ऊपर आपको टैक्स पे करना था। अब 1 अप्रैल से जो रूल लागू हुआ है वो ये है कि जो 60 रुपये जो हैं, जो आप पेंशन वाले पैसे छोड़ दीजिए, एन्युटी वाले पैसे छोड़ दीजिए, बाकी जो 60 हैं उनके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। और क्योंकि आप एन्युटी खरीद रहे हैं 40 से, उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि जो एन्युटी आप कमाएंगे वो टैक्सेबल है, और वही लगता है मुझे अभी भी एक इंपॉर्टेंट इशूज़ है जो इन्वेस्टर्स को उसके ऊपर ध्यान देना। तो मेजर चेंज ये है कि कोई भी जो 60 रुपये जो आपको मिलेंगे उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन एन्युटी का जैसे मैंने कहा, मुझे अभी भी लगता है ऐसा इशू है कि इन्वेस्टर्स को कंसिडर करना चाहिए एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन ई कैटेगरी में इसको डालने के बाद आपको लगता है सर कि थोड़ा और लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि अब पहले टैक्स देना पड़ता था, अब चूंकि पूरी तरह से इसे टैक्स फ्री कर दिया गया, तो आपको लगता है कि थोड़ा और लोगों का निवेश आएगा एनपीएस में? हाँ, डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, और जैसा आपने भी कहा कि 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी आपको मिलती है, तो आई थिंक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनपीएस एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है।
बट ई को अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जो 40 रुपए जो आपके हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको चाहे ई देखें या कैसे भी देखें, इशू यह है कि आप 40 रुपए को आप टच नहीं कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो इनकम आपको मिल रही है वो एक तो इनकम बहुत कम होती है, एनुटी जो मिलती है, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है. तो वो एक अभी एक इशू है, क्योंकि उस समय पे आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी रेगुलर इनकम हो रिटायरमेंट के बाद, आप ये भी चाहते हैं कि जो रिटर्न आपको मिले वो टैक्स एफिशिएंट हो, जो शायद एनपीएस अभी भी इन्वेस्टर्स को नहीं दे पा रहा. तो आई थिंक वो एक इशू है, बट अदरवाइज जैसा मैंने कहा पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि सरकार की कोशिश रही है कि इसके अंदर बदलाव किए जाएँ, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए. इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप देखें कुछ और चीज़ें की गई हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी आई थिंक इंपॉर्टेंट है. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर. एक तो ये कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है अभी वो 14% बढ़ गया, 10-14% हो गया, तो आई थिंक उससे उनके रिटायरमेंट कॉर्पस पे काफ़ी फर्क पड़ेगा. उनका अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% ही रहेगा. दूसरा ये कहा है कि जो टीयर टू का जो अकाउंट है उसमें अगर आप 3 साल के लॉक इन के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको ATC के तहत जो है वो छूट मिलेगी. और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कि वो 15% से ज़्यादा इक्विटी में नहीं डाल सकते थे, उसको बढ़ाने की बात हो रही है. और शायद जो फंड मैनेजर के जो चॉइस है उसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात हो रही है, तो प्रोविजन किए जा रहे हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोशिश है कि इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए. बट जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एज एक्सपर्ट, अभी भी कुछ इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है. ऑलराइट, तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि नए वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही कौन से नए बदलाव हुए हैं, नए परिवर्तन आए हैं, और किस तरह से आप नए सिरे से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा बेहतर बनाइए. हेमंत रुस्तगी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सर, आप जरा म्यूचुअल फंड के ऊपर भी यहां पर हम आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें चेंजेस किए गए हैं. तो क्या है ये बदलाव, ये तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन ये भी इसके साथ बताएं कि जब म्यूचुअल फंड की बात आती है, कोई भी इसके चेंज आता है, एक नया नियम आता है, तो जो इन्वेस्टर है वो ये जरूर जानना चाहता है कि इससे दरअसल उसे फायदा होगा या उसे नुकसान होगा. अगर मैं 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूं, तो मिलने वाला जो रिटर्न है, जो कॉर्पस मुझे एंड में मिलेगा, क्या वो ज्यादा होगा, कम होगा? तो इसकी बारीकी को समझाते हुए डिटेल में बताएं कि एक्सपेंस रेशियो में किस तरह के चेंजेस हैं. देखिए, पहले समझते हैं कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो के बदलाव है वो बदलाव क्या है, फिर देखेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट के और इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा. पहले क्या था कि अभी जो एक्सपेंस रेशियो जो हुआ करती थी इक्विटी और डेट फंड्स की अलग अलग थी. जो मैक्सिमम TER जिसको बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज करते थे फंड्स, वो 2.5 था इक्विटी फंड्स के अंदर, और जो डेट में था वो 25 बेसिस पॉइंट कम था, वो 2.25 था. और उसमें अलग से स्लैब्स थे, पहला 100 करोड़ में था 2.5 इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ, अगले 300 करोड़ में 25 बेसिस पॉइंट कम थे 2.25 पे था, और अगले 300 में 2%, और बाकी जो कॉर्पस था उसके ऊपर 1.75 चार्ज किया जाता था. इस तरह से TER पहले चार्ज होता था. अब 1 अप्रैल से क्या किया है, क्योंकि सेबी ने कहा कि अब ये कुछ फंड हाउसेज जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो वो 1,000 करोड़ की जो पहले जो स्लैब्स थे वो शायद एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से इन्होंने अभी इसको जो है स्लैब्स को चेंज किया है. तो अभी क्या है, जैसा मैंने पहले कहा कि इक्विटी के अंदर जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो 2.25 होगा, उसके अंदर स्लैब्स बने हैं. पहले जो 500 करोड़ है वहाँ पे 2.25 चार्ज होगा, अगले जो 250 करोड़ है मतलब 750 तक, उसमें 25 बेसिस पॉइंट कम होगा यानी 2% होगा, और 750 से 2000 करोड़ जो है उसके अंदर 1.75 चार्ज होगा. और उसके अलावा जो दो स्लैब बने हैं 2000 से 5 और 5000 से 10000 करोड़, उसमें 1.6 और 1.5 होगा. जब एक फंड का कॉर्पस 10000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा तो हर 5000 करोड़ के ऊपर 0.05% का फर्क पड़ेगा, और एक बार अगर फंड 50,000 करोड़ के ऊपर गया तो उसकी जो मैक्सिमम जो एक्सपेंस होगी वो 1.05 होगी, और यही स्लैब जो है 25 बेसिस पॉइंट के डिफरेंस यानी कम से वो डेट फंड्स के ऊपर लागू होगा. तो जैसे हम देख सकते हैं कि जितने बड़े फंड्स हैं उनमें एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम हो जाएगा कंपेयर टू जो 31 मार्च तक था. तो जो भी इन्वेस्टर्स बड़े उन फंड्स में जिनका कॉर्पस ज़्यादा है तो उनका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी मैं बोलता हूँ अच्छा खासा हेल्दी उनके रिटर्न में थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए वहाँ पे. और दूसरा जो छोटे या मीडियम साइज फंड हैं उनमें थोड़ा कम असर होगा, शायद छोटे वाले फंड जो उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा. तो ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये TER में एक्सपेंस रेशो चेंज हुआ है. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, आई थिंक इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अब क्योंकि लग रहा है कि जो बड़े फंड्स हैं जिनमें कॉर्पस ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपेंस कम है, तो वो एक कंसिडरेशन आपके लिए नहीं होना चाहिए कि चलिए अब जो भी पैसा हम लगाएंगे उन फंड में लगाएंगे जहाँ पे कॉर्पस ज़्यादा है. वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी.
कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि एक बार फंड इतना बड़ा बन गया तो उसमें कोई ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं, वो भी सोच गलत है। मेरा ये मानना है कि कॉर्पस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप मान लीजिए किसी सेक्टर फंड में या थीमेटिक फंड में डालते हो, वहाँ पे अगर ज़्यादा कॉर्पस है तो वो फंड परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल मल्टी कैप फंड हैं, जो लार्ज कैप फंड्स हैं, उनमें कॉर्पस साइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसे फंड में जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कॉर्पस भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये अकेला एक ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से एक्सपेंसेस कम हो गए तो हम जाके उन फंड्स को चुने जहाँ पे एक्सपेंसेस कम है। क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो या 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, तो जो रिटर्न में आप देखिए 10-15 साल का रिटर्न आप देखें तो 15-18% का रिटर्न हिस्टोरिकली इन फंड्स ने दिया है, तो 25 बेसिस पॉइंट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने उस फंड की क्वालिटी को इग्नोर किया। तो आई थिंक बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं इन्वेस्ट करने के वही हैं। हाँ, अगर आप ऐसे फंड को चुनते हैं जिसका कॉर्पस बड़ा है कंपेयर टू मीडियम साइज या छोटे फंड में, जाहिर सी बात है आपकी जो कॉस्ट है वो 1 अप्रैल से कम हो जाएगी और उसका सीधा सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। मुझे लगता है डेट फंड्स में इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा बजाय इसके कि इक्विटी फंड्स में। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपने समझाया इसे सर। इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका रुख भी कर लेते हैं। जितेंद्र यादव जी ने हमें फोन किया है, स्वागत है सर शो में आपका, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम, मैं जितेंद्र यादव बोल रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग जी मैम। मेरे को फर्स्ट टाइम मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को जो है 5,000 इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू और मेरा टारगेट है 25 ईयर में 1 करोड़। ओके तो मैडम इसके अकॉर्डिंग मेरे ठीक है, तो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये लक्ष्य हासिल होगा। सर 25 साल में 1 करोड़ इन्हें चाहिए, 2,000 रुपए पर मंथ की SIP ये कर सकते हैं। क्या निवेश इनका थोड़ा कम है, बढ़ाने की रकम जरूरत है, क्या एडवाइस करेंगे? जी बिल्कुल बढ़ाना, इन्होंने कितना कहा 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं मैडम 5,000 जी। 5,000 रुपए ठीक है, 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। आई थिंक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है और बिल्कुल सही समय पे शुरुआत कर रहे हो, तो आई थिंक SIP से इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी फंड चुनो, अच्छे इक्विटी फंड। तो दो फंड मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ले सकते हो, जो एक मल्टी कैप फंड है जैसा कि नाम से पता चलता है, और एक मिराई का जो इमर्जिंग फंड जो है इक्विटीज़ फंड जो लार्ज और मिड कैप का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है शायद अपने कॉर्पस तक जाने के लिए, बट क्योंकि लंबा समय है शुरुआत आप 5,000 से कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े कोशिश करो कि अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहो, तो 1 करोड़ नहीं मुझे लगता उससे ज़्यादा भी कॉर्पस आप बढ़ा पाओगे। इंपॉर्टेंट ये कि आप रूल बना लीजिए कि हर साल जो आपकी इनकम बढ़े उसका 15-20% आप इस कॉर्पस के अंदर अगर आप ऐड करेंगे, ये डिसिप्लिन रखेंगे और इतने लंबे समय में आपके पास ऐसे कुछ समय आएंगे जब मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, कंटिन्यू करते रहिए इन्वेस्टमेंट को। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें थोड़ा ज़्यादा तो एक मैं चाहूँगा कि एक स्मॉल कैप फंड, अच्छा सा एक स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कीजिए। तो जैसा मैंने कहा डिसिप्लिन रखेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा ही कॉर्पस बना पाओगे। और डिसिप्लिन के साथ ही आप लंबी अवधि में अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। व्यूवर्स को मैं ये जरूर कह दूं कि आप जब भी हमसे अपना सवाल पूछते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें जरूर दिया करिए, उससे आपके पोर्टफोलियो को समझने में हमें मदद मिलती है, तो फोन नंबर देना मत भूलिएगा। बात आज हम कर रहे हैं कि किस तरह से बदलाव जो हुआ है नए वित्त वर्ष में वो आपके पोर्टफोलियो में भी बदलाव लेकर के आया है, और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत रुस्तगी जी। सर हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं तो उन्हें शो में शामिल कर लेते हैं। अंजुल कुमार ने हमें फोन किया है, स्वागत है सर शो में आपका। पोर्टफोलियो है हमारे पास आपका लेकिन डिटेल में कुछ बताएं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपके गोल्स हैं? गुड इवनिंग मैम। मैम ऐसा ना लगभग मेरा ना 16,000 रुपये पर मंथ लगभग इन्वेस्ट हो रहा है और लॉन्ग टर्म होराइजन है मेरा इनकी 15 ईयर लगभग, और मैं एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ कि 1 करोड़ पे लगभग मैं इकट्ठा कर सकूँ। तो जो मेरा पोर्टफोलियो होगा क्या उसमें बदलाव कर सकता हूँ मैं कुछ, या फिर वो सही है? चार फंड्स में अभी आप निवेश कर रहे हैं? हाँ जी। ऑल राइट, तो चार फंड्स हैं इनके पास हेमंत जी, और कुछ फंड्स में 15 दिन पे SIP करते हैं, कुछ में पर मंथ ही SIP कर रहे हैं। किस तरह का पोर्टफोलियो इनका आप देख पा रहे हैं और क्या इनका गोल अचीव हो पाएगा? आई थिंक शुरुआत करते हैं इनके गोल से। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ का कॉर्पस इनको बनाना है 15 साल में,
तो क्योंकि लंबा समय है तो अगर हम एक 12% का अगर रिटर्न मान के चलें एनुअलाइज रिटर्न तो करीब करीब इनको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मेरा हालांकि मेरा मानना है कि 15 साल अगर ये इन्वेस्ट करें तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रीजनेबल रखिए, रियलिस्टिक रखिए। तो 12% के हिसाब से करीब 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और अभी इनको इन्वेस्टमेंट है शायद करीब 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो रही है। क्योंकि 12% का रिटर्न एज्यूम करें इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो इनके पास एक हाइब्रिड फंड है और एक इनका जो पैसा है वो पीपीएफ में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पीपीएफ में उतना रिटर्न मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इक्विटी फंड से इनको ज़रा बेटर रिटर्न मिल सकता है, तो तभी भी मुझे लगता है ये उतनी रिटर्न को है वो मेंटेन कर सकते हैं। दो चीज़ें मैं चाहूँगा चेंज करें, 15 साल के लिए हाइब्रिड फंड का कोई मतलब नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि जो मिराई का जो हाइब्रिड फंड है उसको चेंज करके या तो मिराई एसेट इक्विटी फंड में चले जाएं या फिर जो दूसरा फंड है उनका एक इमर्जिंग इक्विटी उसमें चले जाएं, वो बेहतर रहेगा, लंबे समय में उनको रिटर्न जो है उससे बेहतर मिलेगा। 4,000 रुपये का इनका शॉर्टफॉल है अभी, जब भी वो चाहें जब भी वो कर सकते हो इसको बढ़ाएं, और वो पैसा मैं चाहूँगा कि जो HDFC स्मॉल कैप फंड है जिसमें शायद 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं उसके अंदर ये ऐड करें। तो आई थिंक पोर्टफोलियो के अंदर जो लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप का जो बैलेंस चाहिए वो भी आ जाएगा, जितना कॉर्पस उनको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 15 साल के हिसाब से वो भी आ जाएगा, और अगर ये अपना डिसिप्लिन रखें और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 15 साल में इनकी इनकम जो बढ़ेगी कोशिश करें कि और पैसा बढ़ाते रहें। कभी हम एज एन इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं कि आज जो हमने डिसाइड किया हम उसी को फॉलो करते हैं नेक्स्ट 15 साल तक, जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी जो है आगे जाके बढ़ती है, और जैसे जैसे वो बढ़े उस इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते जाएं तो अपना कॉर्पस जो है 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा आप बना सकते हो। अंजुल, तो आपके सवाल का जवाब भी मिल गया और हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल हमारे पास मेल पे भी आया हुआ है सर, तो उसे भी यहाँ पर मैं शामिल करना चाहूंगी। पवन कुमार ने हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा है और इनका कहना है कि 60,000 ईयरली ये LIP में निवेश कर रहे हैं, टर्म प्लान भी इनके पास है, इसके अलावा PPF और NPS में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कंपनी का मेडिक्लेम लिया हुआ है, 3 funds इनके पास पोर्टफोलियो में है, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा एक्सेस फोकस 25 और SBI इक्विटी हाइब्रिड। अब ये जानना चाहते हैं कि इनका पोर्टफोलियो किस तरह का है और इसके अलावा यूलिप में क्या इनका निवेश ठीक है, ये भी समझना चाहते हैं, और 10 से 15 साल में ये पोर्टफोलियो कितना पैसा दे देगा इन्हें। देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। आई थिंक जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो पहले मैं वो कवर करता हूं इनका। इन्होंने एक टर्म प्लान लिया है जो मुझे लगता है बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्वांटम जो सम एश्योर्ड है वो भी 1 करोड़ का, वो बिल्कुल सही है। हेल्थ इंश्योरेंस में इन्होंने इनके शायद एम्प्लॉयर ने इनको दिया, उसके बाद इन्होंने अपना इंडिविजुअल भी लिया है, जो हमेशा आई थिंक सभी को करना चाहिए क्योंकि कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अभी तक जो किया अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल सही किया है। अब इन्होंने कहा है कि इनका जो टाइम होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है। अब वो लॉन्ग टर्म एक्चुअली एक वेग टर्म है, तो मैं चाहूँगा कि ये एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करें, अपने गोल्स को डिफाइन करें, हर गोल के सामने एक टारगेट और एक टाइम होराइजन रखें। क्योंकि अगर आप इनका पोर्टफोलियो अगर देखें उसके अंदर यूलिप है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर PPF है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट हैं, और इशू क्या होता है कि जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपकी एसेट एलोकेशन बिल्कुल बराबर रहती है, तो लॉन्ग टर्म का पैसा आपका इक्विटी में जाता है, मीडियम टर्म का पैसा हाइब्रिड में जाता है, और शॉर्ट टर्म का क्योंकि कैपिटल सेफ्टी प्रायोरिटी होती है तो पैसा जो आपका डेट में जाता है। और जब आप ऐसा करते हो तो सही ऑप्शन आपके पोर्टफोलियो में आती है और सही प्रोपोर्शन में आती है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनकी सही है, यूलिप एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट मेरा फिर से मानना है यहाँ पे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में जाएं, अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ALSS में भी जाएं, तो आपकी रिटर्न जो है उससे बेहतर हो सकती है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करो, गोल्स को डिफाइन करो, तो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और जो एसेट एलोकेशन जो होना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो मैं चाहूँगा, जैसा मैंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट में आपने बहुत अच्छा किया है, ये थोड़ा सा अगर आप प्रोसेस को चेंज करें तो मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा अच्छा बैलेंस बनेगा और आपकी रिटर्न जो है पोर्टफोलियो से वो इम्प्रूव हो सकती है। चलिए पवन कुमार जी, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। और सर, बात अगर नौकरी पेशा की हम करें तो ये जो नया वित्त वर्ष है उनके लिए थोड़ी खुशखबरी लेकर के जरूर आया है, क्योंकि अब जो उनका PF का पैसा है वो नए नियम के मुताबिक अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आपने अगर कंपनी चेंज की तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ऑटोमेटिक आपका पैसा, इंटरेस्ट, तमाम चीजें अपने आप ही शिफ्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताएं कि किस तरह से खुशियों भरा रहेगा ये नया नियम नौकरी पेशा लोगों के लिए।
आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है ईपीएफओ का. हमने देखा है उसमें भी काफ़ी समय से उन्होंने काफ़ी बदलाव किए, कोशिश किए कि इसको यू नो बहुत आसान बनाया जाए और लोगों के लिए जो दिक्कतें आती थी पहले वो ना आए. आई थिंक उसी दिशा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है. तो पहले क्या होता था, जब आप जब जॉब चेंज करते थे तो आपको यूएन होने के बावजूद भी आपको अप्लाई करना पड़ता था उसके ट्रांसफ़र करने के लिए. अब जो नया रूल आया उसने इस पूरे प्रोसेस को बहुत सिंपल कर दिया. इसका मतलब यह कि अगर आपने नौकरी छोड़ी और कहीं और जगह ज्वाइन किया, जो नए एम्प्लॉयर जब आपकी मंथली स्टेटमेंट भेजेंगे आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन के साथ, तो जैसे ही आपका जो नंबर यूएन नंबर वहाँ पर अपीयर होगा, ऑटोमेटिकली जो ईपीएफओ जो है, जो आपका बैलेंस है विद इंटरेस्ट, उस वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देगा. तो आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है और काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कतें होती थी, इसको कंबसम लगता था, कुछ लोग नहीं करते थे. तो आई थिंक ये कंसिडरिंग कि ईपीएफ जो है वो आपके एक रिटायरमेंट कॉर्पस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मुझे लगता है ये एक स्टेप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी जो दिक्कतें होती थी वो काफ़ी हद तक मैं कहता मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर. तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस हो गया अभी ईपीएफ को ट्रांसफ़र करने के लिए. जी, और चलते चलते एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी कि जो लोन लेने के नियम है, जो इंटरेस्ट लगता था, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया. और हर आम आदमी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में लोन लेने की ज़रूरत पड़ती ही है. आपको चाहे होम लोन लेना हो या फिर आप कार खरीदने जा रहे हो, तो अब क्या हम ये मान करके चलें कि जो नए चेंजेस आए हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होंगे और इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो पाएगा? आई थिंक एज ए कॉन्सेप्ट जो चेंज हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, बट आई थिंक उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय है, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ विचार चल रहा है उसके ऊपर. तो आई थिंक वो थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि उसमें कुछ चैलेंजेस हैं. अब समझते हैं ये एक्चुअली फ़र्क क्या है. अभी तक जब आप मान लीजिए होम लोन लेते थे या ऑटो लोन लेते थे या SME लोन लेते थे, तो जो अभी जो MCLR जो है उसके बेसिस पे बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता था, जो एक इंटरनल रेट है जो डिसाइड होता है उनके इंक्रीमेंटल कॉस्ट के ऊपर. पिछली जो क्रेडिट पॉलिसी हुई थी दिसंबर में, उसने RBI ने कहा था कि अभी सारे बैंकों को वहाँ से एक एक्सटर्नल रेट पे मूव करना है. वो एक्सटर्नल रेट क्या हो सकता है, वो RBI का रेपो रेट हो सकता है, या 91 डेज़ या 182 डेज़ का जो ट्रेजरी बिल का यील्ड है वो हो सकता है, या जो फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई और ऐसा बेंचमार्क बनाए तो उससे रिलेटेड है. इसका पर्पज़ क्या है समझ लेते हैं. ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा लग भी रहा था कि जब भी RBI रेट चेंज करती है वो पास ऑन नहीं होता है बोरोवर्स को. आई थिंक एक्सटर्नल रेट करने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, और अभी लोगों को समझ में भी आएगा किस तरह से काम करता है. तो मुझे लगता है ये काफ़ी सिंपल कर देगा प्रोसेस, और जो भी फ़ायदा होना चाहिए बोरोवर्स को वो हो जाएगा यहाँ पे. लेकिन उसके चैलेंज ये हैं कि बैंक जब डिपॉजिट लेते हैं तो फिक्स रेट पे देते हैं, या तो बैंकों को भी अपना जो है डिपॉजिट को फ्लोटिंग रेट पे करना पड़ेगा. तो उसमें कुछ चैलेंजेस हैं मुझे लगता है, वो देखना पड़ेगा किस तरह से लॉन्च होता है. बट एज ए कॉन्सेप्ट आई थिंक वो काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे बैंक जो है एक मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन वो जो मार्जिन जो है थ्रू आउट एक ही रहना चाहिए, और जो बेंचमार्क है एक बार लिया तो वो पूरे टेन्योर तक वही रहेगा. तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा है, बट उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो देखते हैं किस तरह से उनको टैकल किया जाता है. एक और छोटा सा कमेंट सर, ये जितने भी बदलाव हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तमाम इन्वेस्टर के लिए और लोगों के लिए फायदे का सौदा ही है. जी बिल्कुल, फायदे का सौदा है. हमने एक एक को डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो NPS हो, किस तरह से फायदा होगा. म्यूचुअल फंड में आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आपका EPF जो है वो आराम से ट्रांसफर हो रहा है, और आपके जो लोन ले रहे हैं वो भी आपको अगर इमीडिएटली RBI रेट्स का फायदा होता है. तो आई थिंक जो भी हमने डिस्कशन की है हमने देखा, और टैक्सेशन में भी हमने बात की है, तो आई थिंक सभी पांचों बदलाव जो डिस्कस किए हैं उससे निवेशकों को और टैक्स पेयर को फायदा होगा. बिल्कुल, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा जरूर है, लेकिन जब आप सही ढंग से प्लानिंग करेंगे और एक बार फिर से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे तभी ठीक ढंग से आपको इसका फायदा भी मिल पाएगा. बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज इस शो में जुड़ने के लिए और व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए.